औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है हमारा फ्राइडे को जो कल जुमे को कप उड़ेगा वो चैंपियन कप होगा। हमारे जनरल कप जो है चार वो पाए तकमील को पहुंचे और जिन लोगों ने नंबर होल्डर लोग हैं जिन्होंने नंबर मारे हैं वो लोग साथ हैं और वो उड़ाएंगे। इसमें सब उस्तादों और खलीफाओं से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेहरबानी करके सुबह जो भी अंपायर भेजें सुलझा हुआ अच्छे और सुलझे हुए अंपायर भेजें, आप सबकी मेहरबानी होगी। और कोई भी ऐसा अनजान आदमी उसको पूरे कानून बता के फिर भेजें। मैं समझता हूँ सबको पता भी है और बार बार हम कहते भी हैं कि यूनियन को पूरा इख्तियार है और ख़ास करके सुबह तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हमारा ये है टूर्नामेंट, तो इसमें जो है यूनियन जब भी चाहे अंपायर चेंज कर सकती है, जब चाहे उठा सकती है, चाहे तो वो एक अंपायर की जगह दो या तीन अंपायर भी बिठा सकते हैं। नवाब शाह पिजन एसोसिएशन की जो यूनियन है वो, और किसी भी छत पे नवाब शाह पिजन एसोसिएशन का एक भी जो यूनियन का अहदेदार होगा कोई भी फैसला वो ले सकता है, उस पर मालिक खाना या कोई दूसरा बंदा एतराज नहीं कर सकता है। आप सबको ये बताने का मेरा मकसद यही था कि अब हम थोड़ा सा घूमे हमें पता लगा है तो कुछ अंपायर ऐसे ही है ना। मैंने पिछली दफा 5 तारीख को जो कप उड़ा था उसमें मैंने कहा था कि दूसरे ग्रुप से आप जो बंदे लेके भेज रहे हो अंपायर बेशक भेजे, हमें कोई एतराज नहीं है, पर उनको कानून जो हमारे नवाब शाह पिजन एसोसिएशन का जो कानून है वो बता के अच्छी तरह पढ़ा के फिर भेजा करो। पर इधर हमने कुछ देखा है कि हमारे नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के जो मेंबर हैं अंपायर हैं उनको ये हमारे कानून का नहीं पता, तो भाई मेहरबानी एक घंटा आधा घंटा उस्ताद वैसे कचहरियां करते हैं, कोई होटल पे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो दूसरी कचहरी हो रही होती है तो उसी के अंदर कोई एक घंटा घंटे की आधे घंटे की ट्यूशन रख लेना, जैसे टीचर ट्यूशन देते हैं ना, तो ट्यूशन दे दिया करें अपने शागिर्दों को कि मेहरबानी करके यार ऐसे ऐसे अंपायरी किया करो, या उनसे पूछ लें कि भाई आप जा रहे हो अंपायर आपको अंपायरी का पता है या नहीं है, नहीं है तो मुझसे पूछ लो। और सुबह ब्राय मेहरबानी आप ऐसे अंपायर भेजोगे जो अपना फैसला खुद लें, ना के कबूतर लंबा चला गया और फोन करके पूछेंगे यूनियन को या दूसरों को भैया लंबा चला गया मैं 45 मिनट दूं या नहीं दूं, क्यों नहीं दो, आपको पता है आप इस कानून को जानते हो तो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लो, आप जिम्मेदारी दूसरे पे नहीं दो। लाजमी बात है जब आप यूनियन से पूछोगे यूनियन आएगी तो एक्स वाई जेड शौकीन कहेगा कि यार ताहिर भाई ने, गफार भाई ने, उस्ताद अब्दुल नबी बिरोई ने दब दी या फलां किया ये किया और उसको टाइम दिलवाया, तो अंपायर ऐसे हो अपनी जिम्मेवारी खुद लें और कोई भी ऐसा मसला होता है तो उसका फैसला करने जैसे हो, ये ना हो कि भाई वो फैसला करने जैसे ही नहीं है, ऐसा ना करें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारा जो 5 तारीख को कप उड़ाया गया था उसमें दो छतों का फैसला नहीं हुआ था, तो इस कप में उनकी वो उड़ान हुई है, फिलहाल इनामात हम नहीं दे रहे तो उनके इनामात जो हैं वो हम आगे जाके देंगे। तो उस कप में 5 तारीख वाले कप में जो इक्वल एज जैसा टाइम हो गया था बराबर हो गए थे मोहम्मद अली मार्केट वाले और हुमैर जरदारी, तो उसमें जो है पिछली दफा विनर रहे सेकंड पोजीशन पे आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद अली मार्केट वाले, और थर्ड पोजीशन पे है हुमैर जरदारी उस्ताद अब्दुल नबी बिरोई के शागिर्द, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही जो पिछले फ्राइडे हमारा कप उड़ा मोहम्मद अली मार्केट वाले, इन्होंने माशाल्लाह 7:29 पे कबूतर बिठाए, रिकॉर्ड है इनका बहुत बेहतरीन। और सेकंड पोजीशन पे है अब्दुल रहमान बिरोई उस्ताद अजीजुर रहमान जदून के शागिर्द,
और थर्ड पोजीशन पे है उमर चांडियो उस्ताद हाजी गुलाम अहमद अरानी के। मोटरसाइकिल जो इसमें बिन की वो मोहम्मद अली मार्केट वाले ने, तो ये इनामत हम बाद में देंगे। खाना जो शौकीन है अंपायर जब उसके बाद छत पे जाएगा तो अपनी घड़ी दोनों टैली कर लें, दोनों मोबाइल टैली करें, मतलब उनको मिला लें, तो उसके बाद कबूतर उड़ाएं। और कोई भी अंपायर, जैसे हाजी साहब ने अभी कहा, मैंने भी पहले कहा, अंपायर अच्छे भेजें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।